नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। गुरदासपुर के कादिया में दिन दहाड़े गुरदास डेयरी पर मोटरसाइकिल सवार तीन लुटेरों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। डेयरी मालिक अजीत कुमार के मुताबिक घटना सुबह 5 बजे की है, जब वो अपनी डेयरी खोल रहे थे। उनके मुताबिक उस समय गले में केवल 5,000 रुपए थे, जो लुटेरे लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा की रिहाइश और पुलिस थाना के नजदीक ही स्थित इस डेयरी को लुटेरों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। लुटेरे डेयरी के बाहर सड़क पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। वो दिलान गल कर सर जो उन्होंने ना फाइन कटनी चालू करते मैंने कहते भी जो कुछ है वो कट देंगे तो मैं कल भी चाबी देती उन्होंने तो थोड़े बहुत पैसे है कहते पर्चिया दस हज़ार दी कोई 500-700 रुपये होना लैके खड़े हैं तो मैं सब जी प्रशासन को यही मांग करता कि इन वारदात बहुत हो रही है घटिया के अंदर तो इन्हों ने सुधार नत पाई जाए उन्होंने वो रोक फड़े जाएंगे ठीक है। बाकी मैंने पहचान नहीं है मैं कहता ना लाव कैमरे वगैरह सीसीटीवी कैमरे कैमरे 3000 लग गए किन्ने जने तीन जड़े जी तिना करवा लो जी